हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामकिशन एंड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि एक जीमेल अकाउंट से दो यूट्यूब चैनल कैसे रन करते हैं या एक जीमेल अकाउंट से दो यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। ओके, तो यदि आप भी एक जीमेल अकाउंट के साथ, यानी कि आपका एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना हुआ है और दोस्तों आप उसी जीमेल अकाउंट से, जिस जीमेल अकाउंट से आपका पहले ही यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो उसी के साथ एक और यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं उसी जीमेल अकाउंट से, यानी कि एक जीमेल से दो यूट्यूब चैनल रन करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक ही जीमेल अकाउंट से दो दो यूट्यूब चैनल कैसे रन कर सकते हैं। और एक खास बात दोस्तों, यदि आप और ज़्यादा चैनल बनाना चाहते हैं, जैसे कि तीन चैनल, चार या पाँच चैनल, तो आप बड़ी आसानी से केवल एक ही जीमेल अकाउंट से बना सकते हैं। और दोस्तों, सभी यूट्यूब अकाउंट को या यूट्यूब चैनल को एक ही जीमेल के साथ बिना किसी दिक्कत के रन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बार बार गूगल एडसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो फ्रेंड्स, इसके प्रॉफिट क्या होते हैं, यानी कि इससे हमें लाभ क्या होता है कि एक जीमेल अकाउंट से दो दो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो दोस्तों, लाभ तो इसका सिर्फ यही होता है कि आपको एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। मतलब कि आपको जितने भी चैनल बनाना हो, आप एक जीमेल अकाउंट से चैनल बना सकते हैं उतने चाहे। ओके, तो दोस्तों आपको ज़्यादा, यानी कि बार बार जीमेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही जीमेल से कई सारे YouTube चैनल बना करके और कई सारे YouTube चैनल रन कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। तो आपको कई सारे जीमेल्स का झंझट नहीं पालना पड़ेगा, कई सारे जीमेल्स की पासवर्ड और जीमेल वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका दोस्तों, आप एक ही जीमेल से कई सारे YouTube चैनल बना के रन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। ओके, तो सिंपली आपको आपके क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। ओके, तो यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले इस क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर खोल लेना है और सर्च करना है youtube.com। देख सकते हैं आप यहाँ पर youtube.com, तो इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। एंड सर्च करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, तो ये पेज ओपन हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आपको आपके चैनल के लोगो पर जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। एंड दोस्तों, जैसे ही आप अपने सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों एक चैनल यहाँ पर मेरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर RK2Movies रामकृष्ण कुशवाहा। अब दोस्तों यहीं पर मुझे दूसरा चैनल भी बनाना है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू चैनल यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से फेस ओपन होता है, पेज ओपन होता है। फिर आपको यहाँ पर आपके चैनल का नाम डालना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, तो RK2 और ब्लॉग। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से रामकिशोर कुशवाहा। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है, इसे आपको फिल कर देना है। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू गूगल अकाउंट विद इट्स ओन सेटिंग इंक्लूडिंग यूट्यूब सर्च एंड वॉच हिस्ट्री, और यहाँ पर आपको जो है क्रिएट कर देना है। एंड क्रिएट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा मेरा सर्वर जो है यहाँ पर डाउन है, तो फ्रेंड्स अब आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि चैनल क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जाना चैनल के लोगों पर एंड इस जो ये चैनल का नेम है आपका RK2Movies, तो आपको यहाँ पर टैप करना है। एंड टैप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट है movies@ramkishan। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर दो चैनल क्रिएट हो चुके हैं, एक पहले से है जहाँ पर सब्सक्राइबर है मेरे लगभग 4000 एंड दूसरा है RK2Blog रामकृष्ण कुशवाहा। ये दोस्तों अभी मेरा न्यू चैनल है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।